देवबंद से बड़ी खबर। देवबंद के एक युवक ने इमरान मसूद समर्थकों पर लगाया मारपीट का गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज़। देवबंद साइम सिद्दीकी नामक एक युवक को इमरान मसूद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाना अत्यंत भारी पड़ गया। आज इमरान मसूद समर्थकों पर आरोप लगाते हुए साइम सिद्दीकी ने कहा कि मैं मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था और मेरे लिए घात लगाकर बैठे हुए इमरान मसूद के समर्थकों ने जमकर मारपीट की, जिससे मुझे गंभीर चोट आई। साइम सिद्दीकी आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली पुलिस ने सिद्दीकी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए राजन कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद साइम सिद्दीकी। मामला यह है कि मैंने इमरान मसूद की, जैसे मैं साफ तरीके से देवबंद की आवाज़ उठाता हूँ, सच्चाई की आवाज़ उठाता हूँ, इमरान मसूद ने जो झूठ वहाँ बोला था उसको शर्म दिलाने के लिए उसने यहाँ के सारे नेताओं को दलाल बताया था। मैंने उसको शर्म दिलाने के लिए उसकी सच्चाई सबके सामने लाया था। वो वीडियो वायरल करी, उसके बाद उसके सारे आदमी मेरे चिपट रहे थे मुझे रास्ते, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। अभी मुझे अहमद ने और पप्पू ने, मैं डॉक्टर कमरुज़्ज़मान की मस्जिद से मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकला तो उधर से तैयार खड़े थे और बहुत मोटा डंडा हाथ में था, घसीट के घर ले जा रहे थे और मारते मारते ले जा रहे थे। दो आदमी थे वहाँ और लोग भी जमा थे, और ये हमारे साथ हैं भूरे भाई, ये भी हमारे साथ थे। तो इस तरीके से ये हुआ और मुझे वार्निंग कर रहे थे बहुत देर से, कल से है बिल्कुल इंसाफ, जेल चाहिए इन लोगों को, दोनों को। इमरान मसूद का हाथ है इसमें, इमरान मसूद का। मैं इनको बस सख्त कार्रवाई हो इनके साथ।